हेलो 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 भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। केम छो? मजा मां? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मैं गुजरात आ रहा हूँ। इतना प्यार दिया है आप लोगों ने, इतना प्यार दिया है, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप में से कितने लोग मेरे को अपना भाई मानते हैं? आप सबका बहुत आई लव यू टू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना भाई माना, अपने परिवार का हिस्सा माना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गुजरात चुनाव जीतने के बाद आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार का ख्याल रखूंगा मैं। मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत महंगाई की वजह से बहुत मार पड़ रही है कि नहीं है? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है। 1 मार्च के बाद आपको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके बिजली के बिल भरेगा। आपके घर का बिजली का बिल मैं भरूंगा, आपका भाई भरेगा, आपको बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। 1 मार्च के बाद गुजरात में भी 24 घंटे बिजली आया करेगी, 0 बिजली का बिल आएगा। आपको बिजली के बिल की अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में मैंने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाए हैं, बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं। अब अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक साथ एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। अब गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। आपके बच्चों के लिए भी मैं अच्छे अच्छे स्कूल बनाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों की जिम्मेदारी मेरी, आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी। दिल्ली में मैंने शानदार अस्पताल बना दिए, ढेर सारे शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। अगर आपको 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी मुफ्त, और अगर 10 लाख 15 लाख का ऑपरेशन होना है वो भी सारा मुफ्त। गुजरात में भी बहुत सारे हॉस्पिटल बनाएंगे, उसका मैंने पूरा प्लान किया है। खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और सारे सब लोगों का, सभी गुजरातियों का पूरा इलाज मुफ्त होगा। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है पैसे की चिंता मत करना, आपका भाई उसका खर्चा उठाएगा, आपका भाई उसका इलाज कराएगा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, अपने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। दिल्ली में 5 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया है। आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने हर बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को काम करना आता है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर आदमी हूं,
मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, उन लोगों की तरह गुंडागर्दी करनी नहीं आती, गाली गलौज करनी नहीं आती, मारपीट करनी नहीं आती। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए उनके पास चले जाना, उनको वोट दे देना। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए उनके पास चले जाना, गाली खानी है उनके पास चले जाना, राजनीति चाहिए उनके पास चले जाना। अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा। अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, बिजली मुफ्त कर दूंगा, पानी का इंतजाम कर दूंगा। ये सब करना आता है मेरे को, पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं। और दोस्तों, अभी मोरबी में जो कांड हुआ, इतने सारे हमारे भाई बहन मारे गए, 150 लोगों से की लगभग 150 लोगों की मौत हो गई, उसमें 55 छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत बुरा हुआ, लेकिन ज्यादा बुरा यह हुआ कि जिन लोगों ने, जिस कंपनी ने वो ब्रिज बनाया था, उस कंपनी के खिलाफ FIR अभी तक नहीं हुई है। जो कंपनी उसका मालिक था उसके खिलाफ FIR किसके खिलाफ हुई है? उस कंपनी के चौकीदारों के खिलाफ, उस कंपनी के टिकट काटने वालों के खिलाफ, जिन लोगों ने 150 लोगों की जान ली, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। आखिर कब तक चलेगा ये? 27 साल हो गए उन लोगों को देश गुजरात को लूटते लूटते। आपसे एक ही चीज मांगने आया हूं, आपने उनको 27 साल दे दिए, मेरे को 5 साल दे दो बस। अगर मैं काम ना करूं, अगर मेरा काम पसंद नहीं आए, 5 साल के बाद वोट मांगने नहीं आऊंगा दोबारा। 5 साल के बाद वोट मत देना, दोबारा इन्हीं को ले आना। 5 साल दे दो, 5 साल ज्यादा तो नहीं होते, 27 साल इनको दिए, 5 साल मेरे को दे दो। और मेरे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, मैं फक्कड़ आदमी हूं, इसलिए मैं सड़कों पे घूम रहा हूं इस तरह। नहीं तो इन लोगों की तरह मैं भी खूब बड़े बड़े उसमें घूमता, मेरे पास पैसा नहीं है। आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों से निवेदन है, सब लोग अपने अपने फोन पे व्हाट्सएप खोल लेना, और व्हाट्सएप पे जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको व्हाट्सएप कर दो कि एक मौका इस बार केजरीवाल को देना है, मैं भी वोट दे रहा हूं, आप लोग भी वोट दो। करोगे सारे जने? भारत माता की। अच्छे एक भूखो केजरीवाल ने, एक भूखो केजरीवाल ने, एक भूखो केजरीवाल। दिल्ली ना यशस्वी अने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी आपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। दिल्ली ना यशस्वी अने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी आपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। एक मोको केजरीवाल ने, एक मोको केजरीवाल ने, एक मोको केजरीवाल। दिल्ली ना यशस्वी अने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी आपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। यशस्वी अने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी आपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। एक मोको केजरीवाल ने, एक मोको केजरीवाल ने, एक मोको केजरीवाल। दिल्ली ना यशस्वी अने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी आ
છે।